तो दोस्तों 5G सिम कार्ड की इम्पोर्टेंट बात है कि आपका 300-400 MB पर सेकेंड स्पीड देगा, वो भी अनलिमिटेड देगा। कौन से शहर हैं, क्या है प्रोसेस, कैसे 4G से 5G होगा, कैसे 2G से 5G होगा, पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी बात को आप गांठ मान लीजिए कि यदि आपके पास 2G सिम कार्ड है, सपोज दैट जो आपका 4G सिम कार्ड आता है बड़ा वाला आता है, उसमें 3 टुकड़ा रहता है, लेकिन जो आपका पहले का 2G सिम कार्ड है तो उसे आप 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, या 4G में कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों यदि आप सर्च कर आए हैं कि एयरटेल 4G सिम कार्ड को 5G में कैसे करें, तो ये हाथ में मेरे देख सकते हैं 5G सिम कार्ड ही, तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, क्योंकि मैं एक दुकान वाला हूं, कि आप अपने 4G सिम कार्ड को एयरटेल के 5G कैसे कर सकते हैं, क्या आपके 4G सिम कार्ड में ही 5G चलेगा, ये भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को 2 मिनट तक केवल देखिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं कि 5G नेटवर्क किस किस शहर में आया है, तो शहर का नाम पहले नोट करिए आप, आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, सिलीगुड़ी, वाराणसी, बेंगलोर, हैदराबाद, इस 8 शहर में आपका जो है 5G नेटवर्क आ गया है। अब बात आती है कि मुझे 5G जो है सिम कार्ड 4G को 5G में करना है, तो क्या मेरा जो 4G सिम कार्ड है, तो उसके लिए करना क्या होता है, सिंपली आपको मैसेज लिखना होता है, ठीक है, सिम नंबर मैसेज लिखकर भेजा जाता है, 2 घंटे में सिम कार्ड चालू हो जाता है, 5G सिम कार्ड आपको मिल जाता है, ये जानकारी आपकी हो गई। लेकिन यदि आपके पास 4G सिम कार्ड है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको खुद बता रही है कि आपके 4G सिम कार्ड में ही मैं आपको 5G दूंगा, यानी आपके पास 4G सिम कार्ड है और 5G फ़ोन में लगाते हैं और आप इस शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको 5G स्पीड ज़रूर मिलेगी। तो आपको 4G से 5G नहीं करवाना है, 2G से 5G 4G करवा सकते हैं, लेकिन 4G सिम कार्ड आपका 5G में चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, हर कंपनी का नॉलेज मैं आपको बैठे बैठे देता रहूँगा।